वुमेन्स प्रॉब्लम्स, इसमें कोई शक नहीं कि औरत को माँ, बेटी, बहन, बहू और बीवी के रूप में अहम किरदार अदा करना पड़ता है। आज के दौर में इसे मुआशी किफालत में शौहर का साथ भी देना पड़ता है। इस्लाम ने औरतों का असल मकाम उनका घर ठहराया है, मगर उस पर पाबंदी आयद नहीं की, बल्कि जरूरत के तहत वो घर से बाहर जा सकती है। जहां तक औरत का माशी मैदान में निकलने का ताल्लुक है, खवातीन के मसले के बारे में जो आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है, बहुत कुछ कहा गया और कहा जा रहा है। खवातीन में डिप्रेशन और जहनी तनाव की शरह मर्दों की निस्बत कई गुना ज्यादा है। माशरती ना हमवारियां, अदम मुसावात पर मबनी रवैये और खवातीन का इस्तेमाल नफसियाती बीमारियों की अहम वजह समझी जा सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ खवातीन पर समाजी और खानदानी दबाव में भी इजाफा होता चला जाता है, जिससे जहनी दबाव, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जैसी अलामत दिखने में आती हैं। इसके बारे में माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी का कहना है कि नफ्सियाती अमराज से कोई भी मुस्तस्ना नहीं, लेकिन हार्मोन से जुड़ी पेचीदगियों के बायस खवातीन में नफ्सियाती अमराज की शरह नस्बतन ज्यादा है। मुआशरे में बढ़ता हुआ खौफ और परेशानी, खानदानों में आने वाली दरारों के बायस खवातीन ज्यादा मुतासिर होती हैं। खुसूसन बढ़ती उम्र के साथ जहां जिम्मेदारियों में इजाफा होता है, वहीं नए रिश्ते हमारी जिंदगियों में अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। ऐसे में रिश्तों से जुड़ी फिक्र और परेशानियां खवातीन को एसाबी तनाव से दोचार करती हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ खवातीन में नींद और भूख में कमी, याददाश्त कमजोरी और थकावट जैसे मसाइल देखने में आते हैं। जबकि हमारे माशरे में ताहाल एसाबी तनाव की सूरत में मर्दों की निस्बत खवातीन के नशे का इस्तेमाल कम देखने में आता है। गुज़िश्ता कुछ सालों में नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों में इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि किसी भी मुआशरे में मर्दों की निस्बत खवातीन को अपने जज्बात के इजहार की आज़ादी दी जाती है। करीबी अजीज की मौत से लेकर किसी वाक़े पर खौफ व हिरास महसूस करने तक खवातीन जज्बात के इजहार में आज़ाद होती हैं, जबकि मर्दों पर इस मामले में समाजी दबाव होता है। माहिरीन के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा मोटापे का शिकार होती हैं। बहुत सी बीमारियों की जड़ मोटापा है, जो कि खवातीन में ज्यादा होता है। इसके साथ साथ खवातीन बहुत सी दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, पित्ते की पथरी जैसे अमराज के अलावा फरबा खवातीन के दौरान हमल भी कई पेचीदगियों का शिकार होने का इम्कान बढ़ जाता है। इनके बकौल मोटापे के बायस हार्मोन का निज़ाम बिगड़ने से खवातीन में इस्तकात हमल का खतरा ज्यादा होता है, जबकि आम खवातीन के मुकाबले में जायद वजन रखने वाली खवातीन में बांझपन की शरह भी 2.5% ज्यादा हो जाती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 95% से 98% जिस्मानी बीमारियां नफसियाती मसाइल की वजह से पैदा होती हैं। खवातीन के मसाइल में भी बहुत बड़ा हाथ हमारे माशरे का है और हमारे माशरे में हम लोग शामिल हैं। माशरे ने औरतों को कमजोर आदत कर दिया है। औरतें ही माशरे को तामीर करती हैं, और तामीर करने वाले की सोच मनफी होगी या छोटी होगी तो वो पूरे माशरे को मुतासिर करेगी। औरतों के मसाइल में ज्यादातर मसाइल की जिम्मेदार औरत ही होती है, क्योंकि मर्द और औरत दोनों की परवरिश और तरबियत औरत ही करती है। अगर खवातीन की सेहत खराब है तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों में बीमारियां फैल जाती हैं। रिसर्च के मुताबिक खवातीन में स्ट्रेस ज्यादा पाया जाता है। गुर्दों के मसाइल, जोड़ों का दर्द, मोटापे के मसाइल, नींद के मसाइल, आँखों के मसाइल। रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि औरतें मर्दों के निस्बत ज्यादा मसाइल का शिकार होती हैं। साइंसदानों का कहना है कि डिप्रेशन का शिकार खवातीन में दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक जिसमें 80,000 खवातीन का मुशाहिदा किया गया, जो खवातीन डिप्रेशन का शिकार होती हैं, उनमें दिल का दौरा पड़ने का खतरा 29% होता है। इस तहकीक में कहा गया कि डिप्रेशन का शिकार लोग अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते। ताहम माहिरीन का कहना है कि सिर्फ डिप्रेशन से दिल का दौरा पड़ने का खतरा नहीं बढ़ता। एक तवील मुद्दती तहकीक में 44 से 69 साल खवातीन की तहकीक की गई। उस तहकीक में शामिल कोई भी खातून दिल की मरीजा नहीं थी, जबकि 22% को डिप्रेशन का मर्ज लाहक था।